Hello everyone, and the topic of today's webinar is the detailed design of the wholesale market of Pakistan. In the previous webinar, we have gone through the high level details of the comparative market design, and in this webinar we will go into some details that how the different mechanism that will be used for balancing, like balancing mechanism for capacity and balancing mechanism for energy, that how these mechanisms will work in the wholesale market. We will discuss that how the losses and different the legacy PPAs that are currently signed by CPPA will be dealt in the wholesale market. So we start today's session with the design parameters. So every design, market in wholesale market in the world is designed on these parameters. जैसे जितने भी मार्केट्स हैं दुनिया में, कंपेटिटिव होलसेल मार्केट्स इलेक्ट्रिसिटी की, उनके अंदर यही जो पैरामीटर्स हैं इन्हीं के ऊपर वो बेस करती हैं, और डिफरेंट मैकेनिज्म्स और डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट तरीके से यूज़ होते हैं हर मार्केट के अंदर. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि ग्रोस पूल. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडल्स इन द होल वर्ल्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी मार्केट्स. वन इज़ द ग्रोस पूल एंड द अदर वन इज़ द नेट पूल. तो ग्रॉस पूल में बेसिकली क्या होता है कि आप के जितने भी जनरेटर्स हैं वो सिस्टम ऑपरेटर जो है उनको वो सेंट्रलाइज जो है वो डिस्पैच करता है, और उसके बाद जो जनरेटर्स हैं वो अपने स्केड्यूल जो हैं वो सबमिट करते हैं, उनके ऊपर जनरेटर्स जो हैं वो स्केड्यूल होते हैं, और उनको सेल्फ डिस्पैच जो है वो अलाउड नहीं होता. वो बेसिकली ऑन द विल ऑफ सिस्टम ऑपरेटर, जो कि इकोनॉमिकली एक मैरिटर बना के उसके बेस पर उनको डिस्पैच करता है. इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है नेट पूल, जो कि यूरोपियन मार्केट्स बेसिकली ज़्यादातर वहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेड है, जहाँ पे जनरेटर्स जो हैं वो अपने डिस्पैच के स्केड्यूल्स खुद सबमिट करवाते हैं सिस्टम ऑपरेटर को, और उसकी बेस पे वो उनको स्केड्यूल करता है, और उसी उन्हीं स्केड्यूल्स के बेस पे फिर उन जनरेटर्स का जो और उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका इम्बेलेंस जो है वो मार्केट ऑपरेटर जो है वो डिटरमिन करता है. तो हमारी जो मार्केट है वो बेसिकली ग्रॉस पूल मार्केट है, जिसके अंदर सारे जनरेटर्स हैं वो सेंट्रली डिस्पैच किए जाएंगे सिस्टम ऑपरेटर की जानब से एज़ पर द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द जनरेटर्स. तो मार्केट आर्किटेक्चर है, मार्केट आर्किटेक्चर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स डिफरेंट टाइम होराइजंस के साथ रन होती हैं. जैसे कि कफ्सर मार्केट्स, इनमें डे हेड मार्केट होती है जो एक दिन पहले रन होती है, जो ट्रेडिंग डे है उससे एक दिन पहले एक मार्केट रन होती है, उसकी एक डिफरेंट प्राइस होती है. इस तरह पे इंट्रा डे आपके पास इंट्रा आवर मार्केट्स होती हैं, जो कि एक दिन के अंदर बिफोर ए डिस्पैच आवर भी रन होती हैं. लेकिन जो हमारी मार्केट है इसके अंदर सिर्फ जो है वो रियल टाइम डिस्पैच है और एक्सपोर्ट सेटलमेंट है. मीन्स कि कोई एक दिन पहले या एक दिन इंट्रा डे में कोई फर्स्ट मार्केट या कोई बिडिंग वगैरह नहीं होगी. डायरेक्टली जो है जनरेटर जो हैं वो अपनी कॉस्ट पर डिस्पैच होंगे, और उस पर जो लास्ट जनरेटर डिस्पैच होगा उसकी जो मार्जिनल प्राइस है वो उस घंटे की जो है वो प्राइस सेट करेगी. तो सिर्फ रियल टाइम मार्केट अभी हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और विद द एवोल्यूशन हम जो है इसको इसके अंदर डिफरेंट मार्केट्स जो हैं जिसके अंदर डे आइड इंटर डे वगैरह अगर हम इंक्लूड करना चाहें तो वो फिर हम आगे इसको लेके आएंगे. प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट में जो है वो सिर्फ दो होंगे, एनर्जी एंड कैपेसिटी. इसके अलावा जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो ऑर्गेनाइज मार्केट्स उनके अंदर होते हैं, लाइक एंसिलरी सर्विसेज, डिमांड रिस्पांस, इस तरह के जो सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो विद एवोल्यूशन आस्ते आस्ते इंट्रोड्यूस होंगे. लेकिन एट द स्टार्ट ऑफ द मार्केट आपके पास सिर्फ दो प्रोडक्ट्स होंगे, एनर्जी एंड कैपेसिटी, जो कि अवेलेबल होंगे ट्रेड के लिए. इसके बाद है रिसोर्स एडुकेसी. तो रिसोर्स एडुकेसी मीन्स कि आप सिस्टम की सिक्योरिटी को किस तरह इंश्योर करेंगे. तो इसके लिए हम कैपेसिटी ऑब्लिगेशंस और जो है सेंट्रलाइज्ड ऑप्शंस का जो मैकेनिज्म है वो हमने प्रपोज किया है, कि ईच डिमांड पार्टिसिपेंट जो है उसके ऊपर ऑब्लिगेटरी होगा कि उसने अपनी डिमांड के अगेंस्ट जो है वो फर्म कैपेसिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आने हैं, और सेंट्रलाइज्ड ऑप्शंस जो होगी वो डिस्कोज के बिहाफ पे जो आपकी कैपेसिटी प्रोक्योरमेंट है वो ऑप्शंस के थ्रू एक जो है IEEE की फैसिलिटेशन के थ्रू जो है वो कैपेसिटी जो है वो प्रोक्योर की जाएगी, जिससे जो है सिस्टम सिक्योरिटी जो है आपकी इंश्योर होगी. इसके बाद है बेसिस ऑफ द मार्केट. बेसिस ऑफ द मार्केट मीन्स के आपकी जो प्राइस है, जो एनर्जी की प्राइस है वो उस किस होराइजन पे है. तो हमारे पास जो ओवरली प्राइसेस एनर्जी की जो डिटरमिन होगी, जो ऐसे मैं आपको बताया गया हर घंटे का जो डिस्पैच, उसमें जो लास्ट जनरेटर जो है सबसे एक्सपेंसिव जनरेटर जो है वो उस घंटे की जो प्राइस सेट कर रहा होगा. तो सिमिलरली हमारे पास ओवरली बेसिस पे ये प्राइस है वो डिटरमिन हो रही होगी.
और कैपेसिटी की जो है वो ईयरली बेसिस पे जो प्राइस है वो डिटरमिन होगी, और एट द एंड ऑफ द ईयर जो कैपेसिटी का मैकेनिज्म है वो रन होगा, और जो एनर्जी का मैकेनिज्म है ओवरली बेसिस पे रन होगा, लेकिन उसकी सेटलमेंट जो है वो मंथली हुआ करेगी, और जो कैपेसिटी की सेटलमेंट है वो ईयरली हुआ करेगी। इसके बाद है मार्केट प्राइस फॉर्मेशन। सो स्टार्ट ऑफ द मार्केट हम सिंगल प्राइस जो है वो पूरे सिस्टम में एक ही प्राइस हुआ करेगी, ऐसे नहीं है कि किसी डिफरेंट जोन्स के अंदर जो है वो डिफरेंट प्राइस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पूरी फुल जो होल रीजन है पाकिस्तान का, उसके पूरे रीजन के अंदर एक ही मार्केट प्राइस होगी, जो कि हर घंटे की एमओ जो है वो डिटरमिन करेगा। इसके बाद मार्केट क्लियरिंग है। तो जो मार्केट ऑपरेटर होगा, जो कि सीपीपीए से अलग होकर एक नई एंटिटी जो है वो बनेगी, तो वो मार्केट ऑपरेटर जो है वो ये क्लियरिंग और क्लियरिंग जो इम्बेलेंसेज हैं उनके उन उनको जो है वो क्लियर और उनकी सेटलमेंट जो है वो मार्केट ऑपरेटर जो है वो कर रहा होगा। इसके बाद है प्रोक्योरमेंट फॉर बेस सप्लायर्स, जो आपके डिस्कोज हैं तो उनकी प्रोक्योरमेंट का क्या मैकेनिज्म होगा। तो उसके लिए जो हमने अडॉप्ट किया है वो ये है कि सेंट्रलाइज प्रिक्योरमेंट होगी डिस्कोज की, जो कि एक सिंगल एंटिटी लाइक जिसका नाम हमने प्रपोज किया है IAA, इंडिपेंडेंट ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो बेसिकली उनके डिस्कोज की बिहाफ पे ऑप्शन रन कर रहा होगा और उनके बिहाफ पे प्रिक्योरमेंट जो है वो उनसे ऑप्शन के थ्रू करवा रहा होगा। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डायरेक्टली साइन होंगे बिटवीन द डिस्कोज एंड द जनरेटर्स। जो सीपीपी का रोल है वो इसमें नहीं होगा, कोई सेंट्रलाइज परचेजर नहीं होगा, बल्कि डिस्कोज ही डायरेक्टली साइन कर रही होंगी और परचेज कर रही होंगे कॉन्ट्रैक्ट को, और IAA जो है वो सिर्फ ऑप्शंस जो है उनको एडमिनिस्टर करेगा। इसके बाद है जो प्रोक्योरमेंट बाय अदर कंपेटिटिव सप्लायर्स, जो कंपेटिटिव सप्लायर्स होंगे जो कि रेगुलेटेड रेट पर सप्लाई नहीं कर रहे होंगे, और प्लस जो BPCs हैं जो कि नॉन रेगुलेटेड रेट पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बाय कर रही होंगी, उनका जो मैकेनिज्म है वो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स है। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट से मुराद यहाँ पे ये है कि वो जो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो खुद ही अपने जनरेटर्स के से सर्च करके या अपने एक बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एग्री करेंगे और नेगोशिएटेड प्राइस पे वो टैरिफ उनका जो टैरिफ होगा वो नेगोशिएटेड होगा, अनलेस अनलाइक जिस तरह के डिस्कोज का टैरिफ जो है वो रेगुलेटर के थ्रू अप्रूव होता है और एक सबके लिए एक सिंगल टैरिफ होता है, बट जो कंपेटिटिव सप्लायर्स होंगे उनको अलाउ होगा कि वो अपने नेगोशिएटेड रेट पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकें, और BPCs के लिए भी कि वो बजाय डिस्को के टैरिफ पे बाय करने से वो किसी कंपेटिटिव सप्लायर से या किसी जनरेटर से ऑन म्यूचुअली अग्रीड प्राइस पे है वो इलेक्ट्रिसिटी बाय करें। कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स जो हैं हमारे पास डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि CTBCM में हो सकते हैं, BPCs या जो कंपेटिटिव सप्लायर्स हैं वो साइन कर सकते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स की टाइप्स को हम डिटेल में आगे स्टडी भी करेंगे कि लोड फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जनरेशन फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फिक्स क्वान्टिटीज़ हैं, तो इनमें डिफरेंसेस क्या हैं और किस तरह से सेटल होंगे। हर कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट मैकेनिज्म जो है थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और बेसिकली ये रिस्क को एडजस्ट कर रहे होंगे कि कौन सा मार्केट पार्टिसिपेंट जो है वो कितना रिस्क जो है वो अज्यूम कर रहा है। इसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहाँ पे किस तरह से अलाइंड हैं मार्केट के लिए ना, तो डिफरेंट मैकेनिज्म हैं लाइक सिस्टम ऑपरेटर मार्केट ऑपरेटर कहीं पे कंबाइन होते हैं, कहीं पे जो है सिस्टम ऑपरेटर जो है वो ट्रांसमिशन कंपनी का पार्ट होता है, और कुछ मार्केट्स में जो है वो इंडिपेंडेंट होता है सिस्टम ऑपरेटर, मार्केट ऑपरेटर भी इंडिपेंडेंट होता है। तो जो भी जितनी सेंट्रलाइज मार्केट्स हैं जहाँ पे सेंट्रलाइज डिस्पैच या ग्रॉस पूल मार्केट्स हैं जो कि ज़्यादातर अमेरिका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर बेसिकली ISO जो होती है वो दोनों फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है, जो सिस्टम ऑपरेटर का भी और मार्केट ऑपरेटर का। तो सिमिलरली हमने अपने इस मार्केट के अंदर जो मार्केट ऑपरेटर है और सिस्टम ऑपरेटर है उनको कंबाइन एक एंटिटी के फॉर्म में जो है वो किया है। IAA जो होगा वो आपके ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो SPT है वो जो लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके उनको डील कर रहा होगा, और जो मार्केट की जितनी भी सेटलमेंट और डिस्पैच से रिलेटेड चीज़ें हैं वो ये ISMO बेसिकली देख रहा होगा। टाइप ऑफ कंज्यूमर्स एट द स्टार्ट ऑफ मार्केट, आप रिटेल मार्केट हम लोग ओपन नहीं कर रहे, स्टार्टिंग में सिर्फ होलसेल मार्केट है, तो इसीलिए जो एलिजिबल कंज्यूमर्स हैं जो कि बाय कर सकते हैं अदर देन देयर रेगुलेटेड सप्लायर,
वो लिमिट जो है एट द स्टार्ट ऑफ मार्केट होगी 1 मेगावाट, और उससे जो नीचे कंज्यूमर्स हैं जो 1 मेगावाट से बिलो हैं उनको अलाउ नहीं होगा कि वो नॉन रेगुलेटेड टैरिफ पे या किसी अपने रेगुलेटेड सप्लायर के अलावा किसी और सप्लायर से बाय कर सके। जैसे जैसे मार्केट एवोल्यूट होगी और मार्केट पार्टिसिपेंट जो हैं वो इंक्रीज होंगे और मार्केट में पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगी, तो उसके साथ साथ ये थ्रेशोल्ड जो है हम इसको रिड्यूस करेंगे और विद इन 4 to 5 years ये थ्रेशोल्ड कम करते करते एक टाइम आएगा कि हम इसको जीरो भी कर सकते हैं। तो जितने भी मार्केट्स दुनिया में जिन्होंने एट द स्टार्ट ऑफ देयर इंसेप्शन, तो तब स्टार्टिंग में तक सब मार्केट्स के अंदर ये लिमिट जो है ऑलमोस्ट 1 मेगावाट या 2 मेगावाट इतनी लिमिट होती है, और जैसे जैसे मार्केट एवोल्यूट करती है तो इस लिमिट को रिड्यूस किया जाता है ताकि मोर से ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकें और नॉन रेगुलेटेड रेट्स पे बाय कर सकें। टाइप ऑफ सप्लायर्स, सो देर विल बी टू टाइप ऑफ सप्लायर्स सी टी बी सी। द वन इज द बेस सप्लायर विच विल बी द डिस्को विच विल सप्लाई पावर एट द रेगुलेटेड रेट्स, एंड द अदर वन इज द बेस सॉरी द अदर वन इज द कंपेटिटिव सप्लायर। द कंपेटिटिव सप्लायर इज अ नॉन रेगुलेटेड सप्लायर विच कैन सेल पावर टू एनी बी पी सी एट देयर नेगोशिएटेड प्राइस। सो वी स्टार्ट विद द प्रोडक्ट्स ट्रेडेड इन द सी टी बी सी। सो देर एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट देर विल बी टू प्रोडक्ट्स दैट विल बी ट्रेडेड इन द सी टी बी सी। द फर्स्ट वन इज द एनर्जी एंड द सेकेंड वन इज द फार्म कैपेसिटी। सो एनर्जी बेसिकली जो प्लांट्स जो डिस्पैच होगा जो एनर्जी जनरेट करेगा वो उसकी एनर्जी होती है, और जो उसकी अवेलेबिलिटी है जो उसका सिस्टम सिक्योरिटी में उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बेसिकली कैपेसिटी होगी। तो ये दो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि अवेलेबल होंगे फॉर ट्रेड इन द स्टार्ट ऑफ द मार्केट। तो फार्म कैपेसिटी बेसिकली क्या है कि जो कैपेसिटी आपकी प्लांट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसको अगर आप जिसके वेरिएबल पैरामीटर्स हैं रिन्यूएबल के या फोर्स आउटेज के पैरामीटर्स हैं उनको अगर आप अकाउंट फॉर करें और उनको सिक्योरिटी जो सिस्टम की सिक्योरिटी है उसके अंदर उसको अकाउंट फॉर करेंगे वो कितनी सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस हिसाब से आप इसकी फार्म कैपेसिटी जो है वो डिटरमिन करेंगे। एनर्जी इन कैपेसिटी विल बी मेजर्ड थ्रू कमर्शियल मीटरिंग सिस्टम। तो कमर्शियल मीटरिंग सिस्टम जो कि बी पी सीज और जनरेटर्स के प्रेमिसेस पे इंस्टॉल्ड होगा उसके थ्रू आप डिटरमिन करेंगे कि जो एनर्जी है वो कितनी प्रोवाइड की गई है और जो कैपेसिटी है वो उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है सिस्टम सिक्योरिटी में। फर्म कैपेसिटी विल बी अ सर्टिफाइड प्रोडक्ट। सो कैपेसिटी सर्टिफिकेशन का एक प्रोसीजर होगा जो कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जितने भी सिस्टम में कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है उनको एक सर्टिफिकेट्स इशू किए जाएंगे और वो सर्टिफिकेट्स बेसिकली फिर ट्रेडेबल होंगे इन द मार्केट। सो ये नहीं है कि आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो पूरी की पूरी आप सेल कर सकें। जैसे कि रिन्यूएबल का प्लांट है तो अगर उसकी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड 100 मेगावाट है बट उसकी जो सिस्टम में कंट्रीब्यूशन है एट द पीक आवर्स वो सिर्फ 50 मेगावाट है, तो उससे उसकी जो फर्म कैपेसिटी है वो डिटरमिन होगी एक सोफिस्टिकेटेड मेथड के थ्रू, और वो 50 मेगावाट के सर्टिफिकेट्स को इशू किए जाएंगे और फिर वो सर्टिफिकेट्स जो हैं वो बेसिकली वो ट्रेड करेगा आगे बी पी सी की कैपेसिटी एप्लीकेशन का फुलफिल करने के लिए। अ मेथडोलॉजी विल बी एस्टैब्लिश्ड टू कैलकुलेट द फार्म कैपेसिटी फॉर ईच जनरेटर एंड टेक्नोलॉजी। सो ईच जनरेटर और टेक्नोलॉजी जो है डिफरेंट टाइप की विंड सोलर और बगास हाइड्रो, तो इन सब के लिए एक डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू एक डिफरेंट फैक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और उस फैक्टर के अगेंस्ट फिर वो कैपेसिटी उनकी जो है वो ट्रेडेबल होगी। जैसे एक थर्मल प्लांट है उसकी जो है वो फार्म कैपेसिटी ओबियसली जो है उससे एक थर्मल प्लांट से सॉरी एक थर्मल प्लांट की जो फार्म कैपेसिटी है वो ओबियसली एक जो रिन्यूएबल प्लांट है उससे ज़्यादा ही होगी, क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी एक फार्म प्रोडक्ट है जो कि किसी भी टाइम सिस्टम पर अपनी विल पे उसको डिस्पैच करा के सिस्टम की सिक्योरिटी में उसको कंट्रीब्यूट करवा सकता है। बट इफ़ वी सी के रिन्यूएबल के केस के अंदर जो रिसोर्स है प्राइमरी रिसोर्स वो उनके कंट्रोल में नहीं है, तो उसके अंदर फिर वो जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं आपके मेटोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और आपके जो विंड और सोलर की रेडिएशन हैं मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना आपकी सिक्योरिटी में और पीक आवर्स के टाइम पे उसकी अवेलेबिलिटी क्या है। तो एक मेथड होगा उसके थ्रू हम डिटरमिन करेंगे कि ये जो सर्टिफिकेट्स हैं वो कितने इश्यू होने चाहिए किस टेक्नोलॉजी का। देर विल बी कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच प्लांट। द कैपेसिटी ऑब्लिगेशन विल बी फुलफिल्ड थ्रू कॉन्ट्रैक्टिंग विद मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैविंग फार्म कैपेसिटी सर्टिफिकेट्स। सो
कैपेसिटी एप्लीकेशंस जो कि डिमांड पार्टिसिपेंट्स पे होंगी वो सिर्फ फुलफिल हो सकती हैं इन कैपेसिटी सर्टिफिकेट्स के थ्रू। तो जिस भी डिमांड के ऊपर जो भी एप्लीकेशंस हैं उसने उतना फर्म कैपेसिटी के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो मार्केट ऑपरेटर के साथ रजिस्टर करवाने होंगे। बैलेंसिंग मैकेनिज्म फॉर एनर्जी, इट इज़ अ मैकेनिज्म थ्रू विच बोथ पार्टीज टू बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट सेल और परचेज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्ट्रैक्चुअल एंड एक्चुअल एनर्जी क्वांटिटीज इंजेक्टेड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रिड और मार्केट। सो आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया लेकिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपकी जो फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी यूजेज है उससे बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। सो इफ़ मार्केट पार्टिसिपेंट लाइक एक बीपीसी है उसने अगर 100 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है बट उसने जो कंज्यूमर है उस ओवर में कंजम्पशन उसकी जो है वो 110 है तो इट मीन्स कि 100 तो उसका बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है बट जो 10 उसने यूज़ किया है वो उसका इम्बैलेंस है। तो इसी तरह हर मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए ओवरली बेसिस पे जो मार्केट ऑपरेटर होगा वो एक मैकेनिज्म रन कर रहा होगा बीएमई के नाम से बैलेंसिंग मैकेनिज्म फॉर एनर्जी, जो कि ये जो इम्बेलेंसेज हैं उन बीपीसीज के या जनरेटर्स के उनको एक मार्जिनल प्राइस पे सेटल कर रहा होगा। सिमिलरली जैसे आपको मैंने बीपीसीज की एग्जांपल दी, इसमें एक जनरेटर है उसने अगर कमिट किया है कि वो 100 मेगावाट जनरेट करेगा बट उसने जो है जनरेशन उस ओवर में 90 की है तो इस केस में वो 10 जो है वो मार्केट से बाय कर रहा होगा एट द मार्जिनल प्राइस। सिमिलरली अगर उसने ज़्यादा जनरेट कर लिया है तो वो और उसकी कंजम्पशन जो है जो उसकी डिमांड जिससे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो उतनी ही है 100 ही है तो फिर वो 10 मेगावाट जो है वो सेल कर रहा होगा इन द मार्केट एट मार्जिनल प्राइस। इट अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द मार्केट पार्टिसिपेंट एंड बूस्ट एफिशिएंसी कंसिस्टेंट विद इकोनॉमिक डिस्पैच। द मार्केट ऑपरेटर विल कैलकुलेट इम्बेलेंस प्राइसेस फॉर ईच ट्रेडिंग पीरियड ओवरली एट द स्टार्ट ऑफ द मार्केट। तो एट ईच ओवर मार्केट ऑपरेटर जो है वो डिटरमिन कर रहा होगा कि आपकी मार्जिनल प्राइस उस ओवर की क्या है। जो मार्जिनल प्राइस है वो बेसिकली जो आपका सबसे कॉस्टली जनरेटर है जो कि नेक्स्ट मेगावाट को प्रोड्यूस कर सकता है एट एनी पर्टिकुलर ओवर वो उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इक्वल होगी मार्जिनल प्राइस और उसी पे जो होगी वो सेटलमेंट हो रही होगी। तो इस तरह आपकी डेली हर ओवर की एक डिफरेंट प्राइस होगी जो कि उस ओवर की जो एनर्जी के बैलेंस उन वो उस प्राइस पर सेटल हो रहे होंगे। Market operator will require a credit cover for cases of non-payment the amount arising from this mechanism. So, बिल्कुल ऐसी scenarios आ सकते हैं जिसके अंदर जो है वो payments जो हैं वो market participants वो ना करें। इसको cover करने के लिए जो credit cover का mechanism है वो introduce कराया जाएगा। It means कि जितने भी market participants हैं उन्हें इन imbalance के amount के लिए कुछ cash या एज अ क्रेडिट गारंटी कुछ एमओ के पास सबमिट करवानी होगी। सो इन केस ऑफ नॉन पेमेंट वो जो है कैश या वो जो गारंटी है वो इन कैश कराई जाएगी ताकि जो दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट हैं जिनको ये एनर्जी सप्लाई हुई है वो उसको पे किया जा सके। द प्रोसीजर फॉर दिस मैकेनिज्म इज द एमओ विल रिसीव द एक्चुअल क्वांटिटी जनरेटेड एंड कंज्यूम्ड फ्रॉम द मीटरिंग सिस्टम एंड विल कंपेयर विद द इंफॉर्मेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर टू कैलकुलेट द इम्बेलेंसेज। सो एमओ के पास जो है सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं और उसके पास मीटरिंग का डेटा भी आ रहा है तो वो उसके बेस पे हर मार्केट पार्टिसिपेंट का ओवरली बेसिस पे एक इम्बेलेंस की क्वांटिटी जो है वो डिटरमिन कर लेगा। सिस्टम ऑपरेटर विल प्रोवाइड वैल्यूज ऑफ ओवरली मार्जिनल प्राइसेस। सो मार्केट मार्जिनल प्राइस बेसिकली सिस्टम ऑपरेटर जो है डिटरमिन कर रहा होगा वो भी एमओ को सप्लाई कर रहा होगा और मीटरिंग का डेटा भी एमओ के पास आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट भी मार्केट ऑपरेटर के पास रजिस्टर्ड है तो मार्केट ऑपरेटर इन सारी इन्फॉर्मेशन के बेस पे उस मार्केट पार्टिसिपेंट्स के इम्बेलेंसेस को डिटरमिन कर रहा होगा। द इम्बेलेंस विल बी वैल्यूड एट द मार्जिन प्राइस एंड चार्ज अकॉर्डिंगली। सेकंड है हमारे पास बैलेंसिंग मैकेनिज्म फॉर कैपेसिटी। सो जिस तरह एनर्जी के इम्बेलेंसेस आप ओवरली बेसिस पे डिटरमिन कर लें इसी तरह कैपेसिटी के जो इम्बेलेंस है वो भी ईयरली बेसिस पे डिटरमिन किया जाएगा। तो कैपेसिटी बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि आप वो कैपेसिटी सिस्टम में अवेलेबल हो जब उसकी रिक्वायरमेंट हो। तो सिमिलरली जैसे कैपेसिटी क्या मैंने आपको बताया कि फर्म कैपेसिटी सर्टिफिकेट्स होंगे और वो फिर ट्रेड होंगे तो इसी तरह जो भी डिमांड पार्टिसिपेंट्स हैं वो उन अपनी कैपेसिटी एप्लीकेशन फुलफिल करने के लिए कैपेसिटी के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब उनके कैपेसिटी के कॉन्ट्रैक्ट ने उनकी सिस्टम की सिक्योरिटी में कितना कंट्रीब्यूट किया, अगर वो उन्होंने जितना कॉन्ट्रैक्ट किए थे उससे ज़्यादा कंज्यूम कर लिया डिस्कोज ने तो फिर उनको डिस्कोज ने या डिमांड पार्टिसिपेंट ने तो उनको फिर बैलेंसिंग मैकेनिज्म फॉर कैपेसिटी से
बाय करना पड़ेगा। इस तरह एनर्जी के अंदर वो इम्बेलेंस के अमाउंट को बाय कर सकते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट, इस तरह कैपेसिटी की जो अमाउंट है जो कि उन्होंने ज़्यादा यूज़ कर लिया है, तो वो फिर ईयरली बेसिस पे वो सेटल होगा। ये वंस इन ईयर जो है वो रन होगा, कि बैलेंस कैपेसिटी का जो मैकेनिज्म है इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि डिटेल डिज़ाइन में प्रोवाइडेड हैं, आप स्टडी कर सकते हैं उनको इन डिटेल कि वो किस तरह से मार्केट ऑपरेटर इनको सेटल करेगा। इसके बाद है नेटवर्क लॉसेस। एनर्जी कंजम्पशन इज नॉट इक्वल टू एनर्जी जनरेशन। ये ओबियस है कि आपकी जितनी एनर्जी एक पॉइंट पे नोड पे जनरेट होती है उतनी ही एनर्जी जो है वो कंज्यूम बेसिकली नहीं हो रही होती है, उससे ज़्यादा ही कंज्यूम हो रही होती है। लॉसेस को अगर आप एडअप करें तो एनर्जी जनरेशन जो है वो बिल्कुल उससे ज़्यादा ही होती है। ऑल एनर्जी जनरेटेड मस्ट बी पेड, लॉसेस आर पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सप्लाई। सो जितनी भी एनर्जी सप्लाई हुई है, जो एनर्जी जनरेट हुई है प्लस जो लॉसेस हैं वो फुली जो है वो पेड होनी चाहिए। ये तो आप नहीं कह सकते कि आपके जनरेटर ने जो है वो इतना जनरेट किया था और मैंने इतना कंज्यूम किया तो वही इम्बेलेंस है। तो आपने उसको जनरेटर प्लस लॉसेस जो है वो उसको जनरेशन प्लस लॉसेस जो हैं उनको कंज्यूम करके आपने इम्बेलेंसेस निकालना। तो इसके डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं लॉसेस को एट्रीब्यूट करने के लिए। तो इन CTPCM ऑल अप्रूव्ड लॉसेज विल बी पेड बाई डिमांड, लॉसेज अबव रेगुलेटेड कैप विल बी बॉर्न बाई नेटवर्क कंपनीज। तो हर नेटवर्क कंपनीज जो ट्रांसमिशन कंपनीज हैं उनको एक अलाउ होता है लॉस परसेंटेज, लाइक फॉर NTDC आई थिंक इट्स 3%। सो इतने 3% के अंदर अंदर जो लॉसेज हैं वो तो अलाउड हैं और वो डिमांड से आप रिकवर किए जाएंगे। लेकिन अगर 3% से ऊपर होंगे लॉसेज फिर वो ट्रांसमिशन कंपनी जो है वो इन इम्बेलेंसेज को जो है वो बाय करेगी और वो इसको पे करेगी। द BME विल टेक ड्यू केयर ऑफ द लॉसेज। और 1 घंटे की जो आपकी इम्बेलेंस कैलकुलेट हो रहा है उसके अंदर नेटवर्क लॉसेज को जो है वो भी अकाउंट फॉर किया जाएगा। द एनर्जी कंजम्पशन विल बी अपलिफ्टेड बाय द रेगुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस फैक्टर एंड देन एक्चुअल ट्रांसमिशन लॉस। तो होगा क्या कि बेसिकली आपने जितनी एनर्जी VPC ने कंज्यूम की होगी उसको एड अप ग्रॉस अप किया जाएगा, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस फैक्टर पहले से डिटरमिन किया होगा। जिस तरह ट्रांसमिशन कंपनी की डिटर्मिनेशन जो लाइसेंस की डिटर्मिनेशन है उसके अंदर उनको एक लॉस फैक्टर दिया जाता है, सेम इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है उनको भी दिया जाएगा। तो अगर एक BPC है वो कनेक्टेड है एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में, तो वो ये उसकी जो जितनी भी कंजम्पशन है और ओवर की उसमें ये लॉस भी क्रॉस अप किया जाएगा उसका इम्बेलेंस कैलकुलेट करने के लिए। देर विल बी एनुअल रिकन्सिलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लॉसेज। सो इन केस आप किसी भी ईयर के अंदर जो नेटवर्क लॉसेस हैं वो अगर जिसकी प्रिस्क्राइब्ड पहले से डिटर्मिनेशन के अंदर जो दिया हुआ है उससे ज़्यादा अगर हो जाते हैं तो फिर वो आपको ट्रांसमिशन कंपनी जो है वो उन लॉसेस को पे करेगी, ना कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं। तो इसके भी डिफरेंट स्टेप्स हैं कि किस तरह से ये लॉसेस जो हैं उनको आप डील करेंगे, तो वो भी डिटेल्ड इनकी जो रिपोर्ट है उसके अंदर मैंशनड है और वो आप स्टडी कर सकते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मार्केट पार्टिसिपेंट अदर पार्टीज दैट बाय एंड सेल इलेक्ट्रिसिटी इन द मार्केट। मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैव कमर्शियल इंटरेस्ट इन द मार्केट। फॉलोइंग एंटिटीज विल बी द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जनरेटर्स, डिस्कोस विच विल बी द बेस सप्लायर्स, बल्क पावर कंज्यूमर्स, कंपेटिटिव सप्लायर्स, ट्रेडर्स इंक्लूडिंग इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स दैट कैन ट्रेड इन द CTPCM। सर्विस प्रोवाइडर्स आर दोज प्लेयर्स दैट प्रोवाइड एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर मार्केट पार्टिसिपेंट्स टू बाय एंड सेल इलेक्ट्रिसिटी। सर्विस प्रोवाइडर्स डोंट हैव एनी कमर्शियल इंटरेस्ट इन द मार्केट ट्रेडिंग, दीज आर नॉर्मल रेगुलेटेड एंटिटीज। फॉलोइंग एंटिटीज विल बी द सर्विस प्रोवाइडर्स इन द CTPCM। द मार्केट ऑपरेटर, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा सबको इम्बेलेंसेस की, एक तो मार्केट ऑपरेटर है, सेकंड सिस्टम ऑपरेटर है जो कि सिस्टम के ओवरऑल सिस्टम को मैनेज कर रहा होगा। तो अगर ये दोनों एक एंटिटी होती हैं तो ये एक ISO एक एंटिटी जो है वो एक सर्विस प्रोवाइडर होगी। इसके अलावा ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं मार्केट के अंदर, लाइक ट्रांसमिशन कंपनीज हैं अभी फिलहाल NTDC है और सम प्रोविंशियल ट्रांसमिशन कंपनीज हैं। इसके अलावा भी जितने भी ट्रांसमिशन लाइसेंसीज हैं वो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। मीटरिंग सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि मीटरिंग की सर्विसेज दे रहे होंगे, फिलहाल NTDC के पास आई ये रोल, लेकिन इसके बाद ये एक रजिस्टर्ड सर्विस होगी और डिफरेंट जो पार्टिसिपेंट्स
लोग हैं वो इस बिजनेस में आके और ये इसका एक मीटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो भी आ सकते हैं डिफरेंट मार्केट्स एंड डिफरेंट लोग। इंडिपेंडेंट ऑक्शन एडमिनिस्ट्रेटर जो है बेसिकली जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि जो डिस्कोज की प्रिक्योरमेंट है वो एक सेंट्रलाइज्ड एंटिटी जो एडमिनिस्टर कर रही होगी, तो वो इंडिपेंडेंट ऑक्शन एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा वो भी एक सर्विस प्रोवाइडर होगा, एजेंट सेपरेट फ्रॉम मार्केट ऑपरेटर। सो करेंटली सीपीपी जो है उसके दो रोल हैं, एक तो मार्केट डेवलपमेंट है और सेकेंड जो है वो जो एजेंसी का रोल है जो डिस्कोज की बिहाफ पे प्रिक्योरमेंट का। सो बेसिकली अगर मार्केट के कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप बेसिकली कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो है वो किसी मार्केट पार्टिसिपेंट के साथ नहीं हो सकता, उसके लिए सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो इसको देखते हुए CTPCM के अंदर जो CPPA है उसमें से जो MO का रोल है उसको एक अलग एंटिटी जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा और एक अलग लीगल एंटिटी बनाई जाएगी ताकि उसका डिस्कोर्स की जो रेगुलेटेड प्रिक्योरमेंट है या उसका एजेंसी का जो रोल है उससे उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। मार्केट क्रेडिबिलिटी रिक्वायर्स दैट MO हैज़ नॉट एनी काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन इन द मार्केट ट्रांजेक्शंस द एजेंट SPT। तो वो जो एजेंट होगा जो एजेंसी रोल है उसका नाम हमने जो प्रपोज किया है वो एक SPT किया है, स्पेशल पर्पस ट्रेडर होगा विच विल बी इन चार्ज ऑफ डीलिंग विद द लेगेसी PPAs इनवॉइसिंग वेरिफिकेशन एंड पेमेंट्स। जो आपके लेगेसी PPAs हैं जो कि ऑलरेडी CPP ने साइन किए हुए हैं उनको जो है ये SPT ये जो एजेंट होगा वो डील कर रहा होगा। द ऑपरेशन ऑफ द SPT विल बी गवर्न थ्रू SPT कोड जो कि आज एक कमर्शियल कोड है जिसके थ्रू ये गवर्न होता है, तो उसको एक SPT कोड जो है वो सिमिलरली उनको गवर्न कर रहा है ट्रांजेक्शन्स का। द MO विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मार्केट एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन इन द मार्केट। तो MO जो होगा एक लीगल सेपरेट एंटिटी होगी और वो सिर्फ जो मार्केट की जो ट्रांजेक्शन हैं उनको डील कर रही होगी और उसको गवर्न करने के लिए उसका एक अपना कमर्शियल कोड होगा। इंटीग्रेशन ऑफ लेगेसी PPAs। सो जैसे मार्केट इंट्रोड्यूस होगी तो लेगेसी PPAs जो पहले CPP ने साइन है किए हैं उनका क्या होगा। प्री एग्जिस्टिंग PPAs एंड APAs विल बी कन्वर्टेड इनटू अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स विद ईच डिस्को बाय असाइनिंग देम टू ईच डिस्को प्रोपोर्शनल टू द एलोकेशन फैक्टर। तो एक एलोकेशन फैक्टर के थ्रू इन PPAs को कमर्शियली एलोकेट किया जाएगा ईच डिस्को को ताकि वो एक बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डील हो सकें और मार्केट ऑपरेटर के साथ रजिस्टर हो सकें। तो इसके कोई इम्प्लीकेशन जो है वो जनरेटर्स के ऊपर कोई भी नहीं आएगी, उनका कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने साइन किए हुए हैं उसी तरह से डील होंगे और उनको पेमेंट्स हैं वो भी इसी तरह सेंट्रलाइज्ड SPT जो है वो उनको कर रहा होगा, लेकिन हर डिस्को को उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट उन कॉन्ट्रैक्ट्स का कुछ ना कुछ वॉल्यूम जो है वो असाइन कर दिया जाएगा जिसकी बेस पे फिर MO जो है हर डिस्को का इम्बेलेंस है वो कैलकुलेट कर रहा होगा और उसको सिग्नल भी दे रहा होगा कि नेक्स्ट कैपेसिटी कितनी प्रोक्योर करनी है। बायलैटरलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स विल हैव एनर्जी एंड कैपेसिटी कमिटमेंट्स एंड विल बी रजिस्टर्ड इन द CPPG कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर। CPPG जो होगा CPPG यहाँ पे है मेंशन, लेकिन CPPG नहीं होगा, ये मार्केट ऑपरेटर जो होगा उसके पास ये रजिस्टर होगा। अ स्पेशल पर्पस ट्रेडर SPT विल मैनेजिंग ऑल लेगेसी PPAs। सो जो हम आज का जो CPP है वो रोल जो है वो SPT कर रहा होगा, इन सब कॉन्ट्रैक्ट्स को मैनेज कर रहा होगा। ऑल PPAs हैव टू बी कमर्शियल एलोकेटेड इन परसेंटेज टर्म्स टू द डिस्कोस एंड KE। There are several methods of allocation, objective of the allocation approach. So हमारी अप्रोच बेसिकली ये होगी कि जितने भी imbalances हैं डिस्कोज के इंटर डिस्को imbalances हैं वो कम से कम, so जो भी allocation mechanism propose किया जाएगा उसके अंदर ये इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि आपके जो imbalances हैं ये डिस्को के वो minimum हों और जो एवरेज प्राइस है वो सब डिस्कोज की सेम आ रही हो, किसी डिस्को को कोई undue advantage ना हो रहा हो। There is no single approach for such allocation. Application जो है वो different parameters के ऊपर कर सकते हैं, forecasted values के ऊपर भी कर सकते हैं, जो recorded values हैं उन पर भी कर सकते हैं, उन दोनों का combination भी use कर सकते हैं, MDI basis पर भी कर सकते हैं। So different mechanisms हैं जो कि अभी under consideration हैं और इसके base पर फिर allocation जो है वो की जाएगी इन legacy PPAs की और factors determine किए जाएंगे कि कौन से discos को कितनी कैपेसिटी जो है वो एलोकेट की जाए। एलोकेशन टूल डेवलप टू एनालाइज द इम्पैक्ट्स ऑफ वेरियस अप्रोच। सो इसके लिए एक टूल भी हमने जो है वो बनाया है, उसके बेस उसके ऊपर सिमुलेशंस रन करके डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं।
बाद है कैपेसिटी ऑब्लिगेशंस। सो कैपेसिटी ऑब्लिगेशंस फॉर सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एंड जनरेशन एडिक्वेसी कैपेसिटी ऑब्लिगेशन आर इंट्रोड्यूस। जितने भी आपके डिमांड पार्टिसिपेंट्स हैं लाइक बीपीसी एंड सप्लायर्स, जब वो डिस्कोस से अपनी प्रोक्योरमेंट को ख़त्म करते हैं या डिस्कोस के कंज्यूमर से वो हट के वो कहते हैं कि हमने अलग से कॉन्ट्रैक्ट करना है या हमने अपनी एक जो है वो डिफरेंट बीपीसीज को सप्लाई करना है, तो फिर उनके ऊपर कैपेसिटी ऑब्लिगेशन इम्पोज की जाती हैं। और सिमिलरली जो डिस्कोस हैं उनके ऊपर भी कैपेसिटी ऑब्लिगेशन इम्पोज की जाती हैं क्योंकि वो भी एक डिमांड पार्टिसिपेंट है। सो बेसिकली इस मैकेनिज्म में ये होगा कि आपके जो जितने भी कंपेटिटिव सप्लायर्स हैं या बेस सप्लायर्स हैं या बीपीसीज हैं जो डिमांड पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उनके लोड की टुवर्ड्स द सिस्टम पीक, तो उसकी बेस पे उनकी ऊपर ऑब्लिगेटरी होगा कि इतनी कैपेसिटी उन्होंने प्रोक्योर करके लानी है इन द मार्केट ताकि सिस्टम की सिक्योरिटी को जो है उसको कोई इशू ना हो। मार्केट पार्टिसिपेंट रिप्रेजेंटिंग डिमांड विल हैव द ऑब्लिगेशन टू कॉन्ट्रैक्ट इन एडवांस सफिशिएंट कैपेसिटी कंट्रीब्यूशन टू द सिस्टम पीक। ईच मार्केट पार्टिसिपेंट विल बी अकाउंटेबल फॉर इट्स डिमांड प्रोजेक्शंस। These capacity obligations is a contribution to ensure medium and long-term security of supply. Percentages are defined for DISCOs as base supplier, BPCs, and KE. Every participant must contribute to system security. Obligations are based on forecasted contribution to the system peak plus reserve margin. So, जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है प्लस रिजर्व मार्जिन जो है उसको ऐड करके उनके ऊपर ऑब्लिगेटरी किया जाएगा कि उतनी कैपेसिटी से वो सिस्टम में प्रोक्योर करें। तो सिटी बीसीएम के अंदर डिफरेंट ऑब्लिगेशंस हमने डिटरमिन की हैं। जैसे डिस्कोस जो बेस सप्लायर्स हैं रेगुलेटेड सप्लायर्स, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो नेक्स्ट 3 ईयर्स की जो उनकी 100% उनकी डिमांड है उतनी कैपेसिटी जो है उनके ऊपर ऑब्लिगेटरी को लेके आनी है। 3 के बाद जो नेक्स्ट 4 और 5th ईयर उसके ऊपर 90% तक है, उसके बाद 6 और 8 ईयर के 75% है और ईयर 9 और 12 के लिए 60% है। सेम KE के लिए भी यही मैकेनिज्म है, BPCs के लिए भी यही मैकेनिज्म है जब तक आपके पास BMC इम्प्लीमेंट नहीं होता। जब BMC का इम्प्लीमेंटेशन में हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम आपको लग जाए, 1 साल 1.5 साल, जब तक BMC जो है इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक वो सेम यही होगा, लेकिन अगर जब BMC इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो ये जो है इनकी ऑब्लिगेशन जो है वो रिड्यूस भी हो सकती है। कंपेटिटिव सप्लायर्स हैं उनके ऊपर ऑब्लिगेशन 1 ईयर की तो 100% है और नेक्स्ट 2-3 ईयर्स की 90% है और 4th और 5th ईयर्स की 75% है। मार्केट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, न्यू मार्केट बेस्ड सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी इंट्रोड्यूस। फ्लेक्सिबिलिटी टू सेलेक्ट पोर्टफोलियो ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मैच द रिक्वायरमेंट टू प्रोडक्ट्स कॉन्ट्रैक्टेड इन द मार्केट एनर्जी टू कवर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एंड फंड कैपेसिटी फॉर सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई फॉलोइंग आर द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स। सो इन मार्केट आप ये 5 to 6 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि आप रजिस्टर करवा सकते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट के साथ। डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो है वो रिस्क बेसिकली कौन से पार्टिसिपेंट किस चीज़ का रिस्क ले रहा है उसके ऊपर बेस करता है। जैसे जनरेशन फॉलोइंग हम डिस्कस करते हैं, जनरेशन फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके ऊपर जनरेटर के ऊपर कोई भी रिस्क नहीं है और सारे के सारे जो रिस्क है वो बायर के ऊपर है बैलेंसेस का। तो इट मीन कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर ने जनरेट की है वही उसका बीपीसी का या सप्लायर का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये जनरेशन फॉलोइंग है, इसमें लोड फॉलोइंग डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके डिफरेंट जो हैं वो उनके ऊपर इम्प्लीकेशन हैं उनके डिफरेंट क्लॉज हैं। इसमें ईच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा देख लेते हैं कि इसके अंदर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर क्या डिफरेंसेज हैं उनके अंदर। सो सबसे पहले जनरेशन फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटीज बिटवीन जनरेटर एंड बायर कैन बी अ परसेंटेज ऑफ जनरेटर एनर्जी एंड परसेंटेज ऑफ अवेलेबल कैपेसिटी। सो मींस आपका एक जनरेटर जो है वो 10 BPC से कॉन्ट्रैक्ट कर ले और हर किसी को 10% जो है वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। तो इट मीन्स जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वो 1 घंटे में जनरेट करेगा वो उसका 10% जो है वो हर डिस्को का जो है हर BPC का वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जनरेटर नेवर हैज़ डिविएशन इफ 100% कॉन्ट्रैक्टेड। सो इट मीन्स कि अगर 100% उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो फिर वो उसके ऊपर कोई बैलेंस नहीं है और वो सारे का सारा जो है जितनी भी उसने क्वान्टिटी कॉन्ट्रैक्ट की जनरेट किया है वही उसकी कॉन्ट्रैक्टेड क्वान्टिटीज में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके ऊपर कोई बैलेंस नहीं आएगा। लेकिन बायर जो है वो पार्टिसिपेट करेगा BM में। सो इन केस बायर ने जो है उससे ज़्यादा कंज्यूम किया है तो वो उसको और ज़्यादा बाय करना पड़ेगा BME से, और अगर उसने कम कंज्यूम किया है तो वो
क्वांटिटी को सेल कर सकता है बीएमए में। तो एग्जिस्टिंग पीपीएस जो हैं वो बेसिकली हम इस फॉर्म में उनको कन्वर्ट करेंगे इंटरनेशनल फॉलोइंग में, क्योंकि उनके ऊपर हम चाहते हैं कि जनरेटर्स के ऊपर कोई इम्प्लीकेशन ना आए, उनको कोई इम्बेलेंसेज के ऊपर उनका कोई रिस्क ना आए, और जो बीपीसीज हैं या जो डिस्कोज हैं वो भी ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं इन फ्यूचर, बट लेगेसी के लिए फिलहाल इंटरनेशनल फॉलोइंग जो हमने सेलेक्ट किया। फिक्स क्वान्टिटी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिंपल, जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है, फिक्स क्वान्टिटीज आप पहले से एग्री कर लेते हैं कि मैं इस ओवर में इतनी कैपेसिटी और इतनी एनर्जी जो है वो सेल जो है वो करूँगा। तो इट इज़ बेस्ड कि इसके अंदर रिस्क जो है वो शेयर्ड है, उस जितनी क्वान्टिटी उन्होंने सेल की है उस क्वान्टिटी तक जो रिस्क है उन्होंने बॉन्ड किया है जनरेटर ने और जो कंज्यूमर है, बट उसके ऊपर का रिस्क जो है वो दूसरी पार्टी का है। इस तरह एनर्जी ओनली कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर आप सिर्फ एनर्जी बाय कर सकते हैं और कैपेसिटी जो है वो किसी और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बाय कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आप एक जनरेटर से एनर्जी बाय कर लें और कैपेसिटी जो है वो किसी सेकंड जनरेटर से बाय कर लें। सिमिलरली कैपेसिटी ओनली कॉन्ट्रैक्ट जो है इसके अंदर भी ऐसे ही है कि आप कैपेसिटी जो है वो जनरेटर से बाय कर लें और एनर्जी आप चाहे बी एम ई से ले लें अगर आप प्राइसेस का रिस्क जो है वो ले सकते हैं, और अगर आप प्राइसेस का रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप एनर्जी का कोई और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स करके। न्यू कैपेसिटी प्रोक्योरमेंट फॉर डिस्कोस, तो डिस्कोस की जो न्यू कैपेसिटी प्रोक्योरमेंट है इसका पहले हमने आपको मैंने डिफाइन किया कि ये जो है वो कैपेसिटी सेंट्रली प्रोक्योर होगी और ये ऑप्शंस के थ्रू होगी, और वो जो मिनिस्टर कर रहा होगा ऑप्शंस वो IEEE कर रहा होगा। IEEE will procure a procurement, will produce a procurement plan in strict compliance with the IGCEP. So, एक इंडिकेटिव जनरेशन प्लान जो है वो हर साल जो है NTTC जो है वो सबमिट करवाता है NAPRA के अप्रूवल के लिए। तो उस प्लान के अगेंस्ट जो जनरेशन है वो इन ऑप्शन में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती है। तो डिस्कोस जो है अपनी फोरकास्ट सबमिट करवाएंगी, उन फोरकास्ट के बेस पे जो IEEE है वो उनका प्रोक्योरमेंट प्लान बनाएगा, उनकी कैपेसिटी एप्लीकेशन जो है वो मार्केट ऑपरेटर ने डिटरमिन करनी है, और उनका जो गैप होगा फिर कैपेसिटी एप्लीकेशन और उनके एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उस गैप को बेसिकली प्रोक्योर करेगा IEEE, और फिर वो डिस्कोस जो है वो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे उन जनरेटर्स के साथ। लो परफॉर्मिंग डिस्कोस ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस ऑफ मार्केट सम डिस्कोस विल नॉट हैव फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस टू साइन अ बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट विद इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग ट्रांजिशन फेज Combined procurement will be done for all discos who cannot provide the required guarantees and credit cover for participating in the balancing mechanism. The government could provide a guarantee or credit mechanism that can be called in case of non or late payment. So, जिस तरह अभी sovereign guarantees हैं वो generators को provide की जाती हैं, तो similarly जो low performing discos हैं जिनके पास टैड कवर जो है उनका इतना इनफ नहीं होगा कि वो उसके ऊपर न्यू फ्यूचर प्रिक्योरमेंट कर सकें, तो उनको सिमिलरली क्रेडिट कवर या गवर्नमेंट गारंटीज हैं गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएंगी तब तक जब तक कि वो अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को बेटर नहीं कर लेते। तो कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रार कमीशन जो होगा एमओ का, जिसके तहत सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो बायलेटरली साइन होंगे डिस्कोस के और जनरेटर के दरमियान, बीपीसीज और कंपेटिटिव सप्लायर्स के दरमियान, तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो होंगे वो एमओ के पास रजिस्टर्ड होंगे, और एक ये रजिस्ट्रार का फंक्शन जो होगा वो भी एमओ परफॉर्म कर रहा होगा, और उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके बेस पे और एक्चुअल कंजम्पशन के बेस पे और एक्चुअल जनरेशन के बेस पे जो इम्बेलेंसेज हैं वो भी डिटरमिन कर रहा होगा। सो इन कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर करते वक्त सब चीज़ें जो हैं वो एमओ जो है रजिस्टर करेगा, लाइक कॉन्ट्रैक्ट क्वान्टिटीज क्या हैं, प्रोडक्ट कौन सी है, टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सर्टिफाइड फर्म कैपेसिटी इसके पास कितनी है, कैपेसिटी एप्लीकेशन कितनी है जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट से फुलफिल हो रही हैं, और एसोसिएटेड CDPs कौन से हैं जिन पॉइंट पे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मेजर हो रहा होगा। इसके पास सेटलमेंट इनवॉइसिंग एंड पेमेंट का फंक्शन है, तो इन्हीं इम्बेलेंसेज को आपके पास एनर्जी के इम्बेलेंस हैं, जो कैपेसिटी के इम्बेलेंस हैं, उनकी जो सेटलमेंट है वो भी बेसिकली एमओ कर रहा होगा। Balance payment will be administered through centralized payment system. Neither the MO nor the SO will be exposed to payment liabilities. क्योंकि सारी पेमेंट्स हैं वो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स की हैं, और इन केस ऑफ नॉन पेमेंट किसी मार्केट पार्टिसिपेंट नहीं करता उसका क्रेडिट कवर जो है वो इन कैश करवा के दूसरे पार्टिसिपेंट को जो है वो पे कर दिया जाएगा।
imbalances will be calculated and prices at hourly intervals, and settlement statement will be generated on monthly basis. So monthly basis पे एक settlement statement generate होगी जो कि market participants को उसकी base पे फिर वो payments हैं वो monthly करनी होगी. और similarly जो BMC है उसके लिए जो है yearly settlement और yearly invoicing होगी. So non payment का जो risk है वो कैसे कवर होगा, तो जैसे डिस्कोस का हमने ऊपर डिस्कस किया कि उनके लिए तो जो नॉन लो परफॉर्मिंग डिस्कोस हैं गवर्नमेंट जो है वो गारंटीज प्रोवाइड करेगी. जो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके रिस्क जो हैं वो उनके अपने जो इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो उसके अंदर उसको एग्री करेंगे कि इन केस ऑफ नॉन पेमेंट वो उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, उनके अंदर ये प्रोविजन होंगी. सो जनरेटर जो है वो उनके पीपीएस के अंदर ये मैंशन हो सकता है कि जनरेटर अगर इन केस वो डिफॉल्ट कोई उनका बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट डिफॉल्ट होता है तो फिर जनरेटर के पास ऑप्शन होगा कि वो नॉन पेमेंट की जरूरत में सारी की सारी एनर्जी चाहे वो BMC में या BME में सेल कर रहा हो एनर्जी, और सॉरी BME में एनर्जी सेल कर रहा हो और BMC में कैपेसिटी सेल कर रहा हो, और जैसे ही उनके इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएं तो वो दोबारा से अपने कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो एक्टिवेट करवा दें. इन ऑर्डर टू इंश्योर द टाइमली पेमेंट्स टू द मार्केट पार्टिसिपेंट फीचर ऑफ क्रेडिट कवर मैकेनिज्म इज इंट्रोड्यूस इन द CTB स्कीम. आई थिंक ये हमने डिस्कस कर लिया कि जो भी नॉन पेमेंट्स हैं उनको क्रेडिट फॉर करने के लिए ये क्रेडिट कवर का मैकेनिज्म होगा जिसके तहत कोई भी ऐसे नहीं होगा कि MO जो है वो ये अमाउंट जो है वो क्लियर ना कर सके, क्योंकि उसके तहत उसने पहले से जो है क्रेडिट कवर्स जो हैं वो पार्टिसिपेंट से लिए होंगे, और इन केस वो अगर पे नहीं करते तो वो क्रेडिट कवर जो है उन कैश कर दिया जाएगा. और जो बजटल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसके लिए वो बजटली एग्री कर सकते हैं कि वो उन्होंने क्या करना है अपनी पेमेंट को सिक्योर करने के लिए. सो जो डिस्कोज के न्यू कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसके अंदर या तो सॉवरेन गारंटीज दी जाएंगी जो लो परफॉर्मिंग डिस्कोज हैं, जो अच्छी परफॉर्मिंग या फाइनेंशियल हेल्थ इनकी सही है उन डिस्कोज जो को अलाउ होगा कि वो डिफरेंट क्रेडिट कवर्स या इस तरह के लेटर ऑफ क्रेडिट्स जो है उनकी बेस पे न्यू प्रोक्योरमेंट जो है वो लेके आ सकें. सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक डिस्पैच एंड द सिस्टम ऑपरेटर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी इकोनॉमिक. सो ये हमने डिस्कस कर लिया कि मार्केट के अंदर हमारा जो डिस्पैच है वो सेंट्रलाइज्ड होगा, इसके अंदर SO जो है वो एज पर द ग्रिड कोड सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्पैच करेगा, और कहीं सेल्फ डिस्पैच सेल्फ स्केजलिंग जो है वो अलाउड नहीं होगी. प्रोविजन ऑफ एंसिलरी सर्विसेज विल बी मैंडेटरी ऑन ऑल जनरेटर्स. एंसिलरी सर्विसेज जैसे कि जो कि आज भी सिस्टम ऑपरेटर जो है वो प्रोक्योर कर रहा होता है जितने भी जनरेटर हैं उनसे, तो दिस सर्विसेज इंक्लूड्स लाइक रिजर्व्स, वोल्टेज सपोर्ट, ब्लैक स्टार्ट. तो ये जितनी भी सर्विसेज हैं इनको तब भी सारे जनरेटर से है जो है ऐसा जो है वो प्रोक्योर कर रहा होगा, और उसके बेस पे इनको कंपनसेट भी किया जा रहा होगा और इन जनरेटर्स को, और ये सारी कॉस्ट जो है सारे डिमांड पार्टिसिपेंट्स के ऊपर एलोकेट की जाएगी, उनसे कलेक्ट की जाएगी. बैलेंसिंग मैकेनिज्म फॉर एनर्जी ये कर्व है कि किस तरह से आप आवरली माइनर प्राइस किस तरह से कैलकुलेट कर रहा होगा सिस्टम ऑपरेटर. तो बेसिकली यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो है वो डिमांड है और वाई एक्सिस पे प्राइस है. तो जितने भी जनरेटर्स हैं उनकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो उसके बेस पे ये मेरिट ऑर्डर बनाया जाएगा, और उसके बेस पे आप डिमांड जो है वो एक वर्टिकल जो कर्व है ये वर्टिकल लाइन जो है बेसिकली ये डिमांड को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो कि एक इनइलास्टिक नेचर होती है जो कि आप प्राइस के लिए ऐसे चेंज नहीं होती. सो एट दिस टाइम इफ वी कैन सी इन दिस ग्राफ इफ द लोड इज 4500, सो एट दिस पर्टिकुलर आवर द मार्जिनल प्राइस फॉर द आवर इज 8 rupees. सो एट दिस टाइम जो भी इम्बेलेंसेज होंगे वो 8 rupees पे सेटल हो रहे होंगे. तो आई थिंक इसके साथ हम आज का सेशन जो है वो एंड करते हैं. तो इसके अलावा अगर किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो फर्दर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है वो भी आप अभी पूछ सकते हैं, और इन फर्दर डिटेल्स अगर किसी को इसके ऊपर और देखनी है तो जो डिटेल डिज़ाइन है वो NEPRA की वेबसाइट से डाउनलोड करके उसको स्टडी कर सकते हैं, और उसके अगेंस्ट अगर क्वेश्चन होता है तो वो क्वेश्चन भी हमसे हमें कंसल्ट कर सकते हैं. थैंक यू एवरीवन.